वहीं कठुआ में ही फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीला धुआं व गंदे पानी से किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। जहरीले धुएं व गंदा पानी के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और कठुआ औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित जल की समस्या से जूझ रहे स्थानीय लोगों ने एक बार फिर प्रशासन के खिलाफ अपना रोष जताया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया है और उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर एक दो दिनों में उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो गांव के सभी लोग डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाएंगे। चार पांच पहले तो बड़ा शैल पानी हाँ असि नहाते भी है पानी भी यूज करते हे फसल की पानी लगता हा हूँ दो चार साल की मतलब कि यह समस्या साड़ी कि पानी बड़ा गंदा आता है असि इतने रहना भी मुश्किल हो गया कि जो भी मच्छर मक्खी सब आंदा जाता है जो बिल्कुल नज़दीक घर ने नी उन्हें तो बिल्कुल रहना मुश्किल हो गया है। ये फैक्ट्री तो पानी आता है बड़े बार बंद कराने फिर मुड़िया दोबारा है कभी इतों साबुन का पानी आई जाता कभी यह मैल का कपड़े जो साफ वाश कर देना उनका पानी गंदगी आई जाता है क्योंकि सानू इन्नी मुश्किल हो गई थी क्योंकि कई बार डंगर पानी भी पी लें चलो इंसान तो समझदार है पर जानवर हो समझदार है जानवर पानी भी पी सकता है तो बेचारे जानवर की कितना नुकसान है। बरसात भी आने वाली है ये पानी के डंगर भी मरे करते हैं और पानी की इन्नी भुगतो है कि सब बंदा खड़ा नहीं हो सकता इन्नी मुश्किल है हद कोई जे कोई हम दफ्तर जाइए जा बोलीए तो पांच सात दिन पानी बंद कर दे उसके बाद जगह कोई गल बात करना